गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे अभ्यर्थियों, अन्य सभी विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का जो के बहुत सारी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें पूछे गए विविध प्रश्नों का जो एक समावेशन होता है वो हमारी क्लास में देखने को मिलता है। उन सभी प्रश्नों को उठा करके हम डेली 10 या 11 क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखिए आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि हड़प्पा सभ्यता ने 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? कहने का अभिप्राय यह है प्यारे अभ्यर्थियों कि हड़प्पा सभ्यता ने जहां अपना विकास किया, जहां से फली फूली, आज उस जगह को, उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व पश्चिमी भारत, भारत या चीन प्यारे अभ्यर्थियों। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है? और बात करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार प्यारे अभ्यर्थियों पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो नगर मिला खुदाई के दौरान, तो प्यारे अभ्यर्थियों हड़प्पा जो है तो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक जिले में स्थित है। इसकी खोज की अगर बात करें तो खोज इसकी 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आएंगे। किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, वह किसके द्वारा लिखी गई है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 ने पूछा, देखिए इसे, जॉन कीट्स, अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अल मसूदी। यानी देखिए जो किताब उल हिंद है जिसमें हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, तो जो किताब उल हिंद जो पुस्तक है प्यारे अभ्यर्थियों, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे अलबरूनी द्वारा मध्यकाल में लिखा गया था प्यारे अभ्यर्थियों, यानी कि अलबरूनी ने लिखा था। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर आए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत को व्यक्त करता है? और यहाँ पे देखिए अगर बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों को व्यक्त करता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 69। और यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करें तो जो संविधान का अनुच्छेद 51 है, ये भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मामलों में राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों को व्यक्त करता है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अनुच्छेद 62 की, तो अनुच्छेद 62 प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने हेतु निर्वाचन के प्रबंध से संबंधित है। वहीं प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अनुच्छेद 49 की, तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण का प्रबंध करता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आएंगे। और अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर उद्भवत है? यानी कि मांडवी नदी, जुआरी नदी, काबनी नदी या फिर मालप्रभा नदी। यानी पूछा जा रहा है कि गोवा कर्नाटक तट में जो दूध सागर जलप्रपात है ये किस नदी पर है? और सही बात करें तो ये स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों मांडवी नदी पर। मांडवी नदी प्यारे अभ्यर्थियों, मांडवी और जुआरी गोवा की दो प्रमुख नदियाँ, हमेशा याद रखिएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब बात करें तो देखिए ये जो जलप्रपात है ये विश्व के सबसे सुंदर और आकर्षक जलप्रपातों में से एक है। दूध सागर जो जलप्रपात है ये लगभग इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 310 मीटर ऊंचा है, जो भारत के बहुत सारे जलप्रपातों में से पांचवें स्थान पर अपना कब्जा जमाए हुए है, यानी पांचवें स्थान पर है प्यारे अभ्यर्थियों। ये इसे सी ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑफ मिल्क के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि दूर से देखने पर दूध सागर जलप्रपात दूध की धाराओं की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है।
क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे अभ्यर्थियों, देखिएगा। ज्वारीय मिट्टी के मैदान से, उपजाऊ मृदा, घनी वनस्पति, या ये सभी। और बात करें देखिए तो कच्छ का जो रण है, वैसे देखा जाए पशुओं में तो जंगली गधों के लिए ज़्यादा प्रमुख रूप से मतलब कि जाना जाता है। इधर अगर देखें प्रश्न के अनुसार तो सही होता है प्यारे अभ्यर्थियों ज्वारी मिट्टी के मैदान। ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए भारत के कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ का रण इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि देखो पहली बात तो कच्छ का जो रण है, ठीक है, वो बिल्कुल समुद्र तटीय इलाका है। अब समुद्र तटीय इलाका है तो जैसे अगर उस क्षेत्र में जैसे ज्वारी जैसे स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे ज्वार आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, तो बहुत सारे औषधिकण और उपजाऊ मतलब चीज़ें इस मिट्टी के साथ बहकर के मैदानी भाग में आ जाती हैं। अब देखिए बात करें कच्छ का जो रण है तो जीवित और मृत निवेशिकाओं द्वारा विच्छेदित नग्न ज्वारीय पंख मैदानों का एक विस्तृत क्षेत्र है। नग्न ज्वारीय पंख मैदानों का सीधा सा अर्थ यही है कि दलदली युक्त जमीन है चूँकि, ठीक है। और बात करें तो देखिए इसमें इसकी जो शुद्ध निवेशिकाएं हैं, इन इसके शुद्ध निवेशिकाओं में प्यारे अभ्यर्थियों नमक के सफ़ेद कण श्वेत सुंदर संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब चूंकि समुद्र के तट के किनारे होगा, ठीक है, तो नमक के कण जो है ना इसके मिट्टी के साथ में सफ़ेद सुंदर संरचना बनाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी। वीडियो शो 2016 में देखिए पूछा गया है भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी, तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका असम। असम राज्य द्वारा GST की सबसे पहले पुष्टि की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें GST की तो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि प्यारे अभ्यर्थियों असम में की गई थी। बात करें तो देखिए भारत में GST लागू करने का जो प्रस्ताव है ये विजय केलकर समिति ने दिया था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो GST की कुल 5 दरें निर्धारित की गई थी, जिनको हम जानते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बात करें GST के कुल प्रकार की तो प्यारे अभ्यर्थियों GST के कुल 3 प्रकार हैं आपका, हो गया जैसे CGST, SGST और IGST। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 279A आपके GST से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्न में से किस नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किन नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग होता है, स्टीफन नियम में का, आर्कमिडीज के सिद्धांत का, पाउली के अपवर्जन नियम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। और बात करें कि देखिए जो पानी के जहाज हैं और जो पनडुब्बी हैं इन्हें डिजाइन करने में और इनके चलने में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, तो प्यारे अभ्यर्थियों वो सही उत्तर है आपका आर्कमिडीज का सिद्धांत। आर्कमिडीज का सिद्धांत यानी बी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही है। आर्कमिडीज की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों आर्कमिडीज के सिद्धांत की, तो आर्कमिडीज का सिद्धांत कहता है प्यारे अभ्यर्थियों कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबो दी जाती है या डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। यह भार में आई हुई यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है प्यारे अभ्यर्थियों। यह आर्कमिडीज का सिद्धांत कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई पानी से भरा हुआ, जैसे कोई द्रव भरा हुआ है, उसमें आप कोई एक चीज डाल दो, अब उसमें आप पूरी ऊपर तक वो फुल मतलब लबालब है। अब एक बात बताओ, देखो उसमें आपने जो चीज डाली तो द्रव का क्या होगा, आयतन और बढ़ गया, ठीक है। द्रव का क्या हुआ कि द्रव और थोड़ा बढ़ गया, यानी कि और बन नहीं गया, बढ़ गया। या जैसे पूरा ऊपर तक लबालब है तो वो क्या हो गया, द्रव वहां से नीचे गिर गया। तो प्यारे अभ्यर्थियों जितना द्रव उस जगह से हटा और जितनी वस्तु उस द्रव के अंदर डूबी है, उन दोनों का भार क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। ये कहता है आपका आर्कमिडीज का सिद्धांत। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आएंगे। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात सही उत्तर की तो देखिए निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील प्यारे अभ्यर्थियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी गई है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के साथ सीमा भी बनाती है प्यारे अभ्यर्थियों। यह विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील माना गया प्यारे अभ्यर्थियों विक्टोरिया झील अफ्रीका को। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो पहली झील तो मीठे पानी के विश्व में अगर मीठे पानी की कोई पहली झील है तो प्यारे अभ्यर्थियों वो आपकी सुपीरियर झील माना गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल
ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? हरदोई, सहजनवा, हाथरस या फिर कानपुर? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, यानी सहजनवा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सहजनवा जो क्षेत्र है ये प्यारे अभ्यर्थियों गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है, जहाँ पे महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल के प्यारे अभ्यर्थियों एक कार्यरत जूट मिल है, जिसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 1935 में की गई थी। बात करें इस महावीर जूट मिल लिमिटेड के कार्य क्षेत्र की, तो देखिए जूट हो गया, मेस्ता हो गया, और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबरों की भी यहाँ पे कताई बुनाई और आयात निर्यात जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या फिर सिंगापुर? और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों मॉरिशस। बात करें अगर कि मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान की मतलब कि मैत्री उद्यान की मतलब स्थापना की प्यारे अभ्यर्थियों, तो 16 जुलाई 2024 को प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस की एक द्विदिवसीय यात्रा की प्यारे अभ्यर्थियों, जहां पे उन्होंने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोविंद के साथ मिलकर के मित्रता के प्रतीक के रूप में एक मतलब कि मैत्री उद्यान का एक उद्घाटन किया। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए यह दो दिवसीय यात्रा जहां पे उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ से मिलकर के मुलाकात की, साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त सिविल सेवा कॉलेज परियोजना का वहां पर औचक निरीक्षण भी किया, वहां का दौरा भी किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर है आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद प्यारे अभ्यर्थियों आपका हरियाणा क्षेत्र में आता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले आप लोग। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो एशिया की सबसे पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन है, ये उद्घाटन प्यारे अभ्यर्थियों फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बात करें तो देखिए महामारी तैयारी नवाचा गठबंधन, जिसे हम सेपी के नाम से जानते हैं, सेपी ने प्यारे अभ्यर्थियों 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में अपनी पहली एसीआई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद ट्रांसलेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये था प्यारे अभ्यर्थियों आज का जीके क्विज कार्यक्रम। अब आते हैं आज के सवाल कार्यक्रम में। तो कल की क्लास में पूछे गए प्रश्न के अनुसार, जैसे कि पूछा गया था कि भारत में उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? और सही उत्तर है तटीय मैदान। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर में, तो सही उत्तर देने वालों में से सबसे पहला और रैपिड आंसर दिया प्यारे अभ्यर्थियों अमृता अनुरागी जी, आरती सिंह हरे, चाहत सिंह और छोटी रानी, और अन्य बहुत सारे लोगों ने, सत्यमपाल है, बहुत सारे लोगों ने, अन्य लोगों ने भी इसके सही उत्तर दिए प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम में आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से या गोल्फ से या बैडमिंटन से या क्रिकेट से? प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर सबसे पहले और तुरंत पहुंचाइए हम तक कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आपसे कल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। शुभ रात्रि।